नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीटॉन और आप सबको मेरे चैनल एल टेक्निकल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गूगल पिक्सेल 4a का रिव्यू करेंगे। जिन लोगों को बजट रेंज में DSLR जैसा कैमरा वाले स्मार्टफोन चाहिए, उन लोगों के लिए गूगल की तरफ से आने वाले गूगल पिक्सेल 4a बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये फोन बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। रिसेंटली इसका एक केस भी सामने आया है, जहाँ पे दिखाया गया है कि कैसा होने वाला है यह स्मार्टफोन। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, जहाँ पे इसका कैमरा कटआउट भी दिखाया गया है जो रेक्टेंगुलर में होने वाला है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल कैमरा, फ्लैश लाइट एंड दो सेंसर दिखाई दे रहा है। बैक कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल होने वाला है, जो हमें लीक से पता चला है, और फ्रंट में भी इसका सिंगल 8 मेगापिक्सल पांचोल कैमरा देखने को मिलेगा। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ सिंगल 12 मेगापिक्सल कैमरा से क्या होगा। जिन लोगों को पिक्सेल स्मार्टफोन के बारे में पता है, उनको ही मालूम होगा पिक्सेल फोन का कैमरा कितना किलर होता है। कैमरा के मामले में कोई भी इसको टक्कर नहीं दे सकता। आईफोन के कैमरा को भी कभी कभी पछाड़ देता है। मतलब पिक्सेल का हर स्मार्टफोन ज्यादातर कैमरा को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसी गूगल पिक्सेल 4a में OIS एंड EIS का भी ऑप्शन मिलता है। इसके मदद से आप लोग जब वीडियो शूट करेंगे, काफी अच्छा स्टेबिलाईजेशन मिलेगा आप लोगों को वीडियो में। अगर चिपसेट की बात करूं तो गूगल पिक्सेल 4a में हमें स्नैपड्रैगन का 730 वाला SoC देखने को मिलेगा। पिक्सेल 4a में दो ही वेरियंट लॉन्च होगा, जहाँ पे दोनों ही वेरिएंट पर 6GB का रैम होगा। सिर्फ स्टोरेज में ही डिफरेंस होगा, जहां पर एक वेरिएंट में होगा 64GB और दूसरे में होगा 128GB। इस फोन में मुझे एक ड्रॉबैक देखने को मिला है कि इसमें जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का होगा, जो मुझे लीक से पता चला है, और इसमें हमें 5.81 इंच FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले भी इस फोन का एकदम टॉप नॉच होने वाला है। अब अगर अपडेट के बारे में बात करूं तो इस मामले में कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि गूगल एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पर रन करता है और अपडेट सबसे पहले गूगल पिक्सेल फोन पर ही रोल आउट होता है, उसके बाद बाकी फोन पर मिलता है। और एक बात हमें इस लीक से पता चला है कि हमारा सबसे प्यारा दुलारा 3.5mm जैक भी इस फोन में रहेगा, और टाइप सी तो आएगा ही। लास्ट, अगर इसी गूगल पिक्सेल 4a की प्राइस की बात करूं तो ये $400 में लॉन्च हो सकता है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 30,000 के आसपास में हो सकता है। अगर इसी प्राइस में लॉन्च हुआ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग इसे परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था कि पिक्सेल का एक नया फोन आ रहा है। अगर आप में से कोई भी कैमरा सेंट्रिक फोन का इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा कुछ दिन वेट कीजिए, ये फोन बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है, जो आप लोगों को किलर कैमरे के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उस पर भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइलिंग।